वेलकम टू शांतनुज किचन और आज हम बनाने वाले हैं चिकन मलाई कबाब विद सम मैजिक ट्रिक्स। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड स्टे ट्यून्ड। चिकन मलाई कबाब या रेशमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को क्यूब शेप में काट लेना है, कुछ इस तरीके से। इसके लिए हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसको काट के अभी के लिए मैं इसको एक बोल में रख देती हूँ एंड लेट्स मूव ऑन टू द मैरिनेशन। हमारे पास है ये 100 ग्राम दही, जाएगा 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, निचोड़ देंगे आधा नींबू का रस, दैट्स इट। इसमें जाएगा करीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्च है एंड 2 टेबलस्पून ऑफ रिफाइन ऑयल। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम यानी मलाई, चाहे तो घर पे बना हुआ मलाई भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ नीड टू मिक्स इट, मिलाएंगे अच्छे से। एट दिस स्टेज डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अभी हम इसमें बोनलेस चिकन का जो पीसेस है वो ऐड कर देंगे एंड लाइटली मिक्स इट। नाउ टाइम टू ऐड सॉल्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून सॉल्ट जाएगा इसके अंदर एंड लास्टली ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। मिक्स करके हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 3 घंटे हो गया है। नाउ स्क्वेयर्स दिस, मैं यहाँ पे वुडन स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मेटल स्टिक या बम्बू स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। पैन में हम करीबन 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और पैन के चारों ओर हम ऑयल को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से एंड नाउ नीड टू प्लेस द कबाब्स इन दिस हॉट पैन। इस तरीके से सारी स्टिक्स को एडजस्ट कर देंगे पैन में और पैन को कवर करके 20 मिनट्स तक हम इसको लो फ्लेम में पकाएंगे। 20 मिनट्स बाद ढक्कन हटाकर जस्ट टर्न इट अराउंड, एड सम घी ऑन टॉप एंड टर्न ऑफ द हीट और इसको रख देंगे साइड में अभी के लिए। नाउ आई विल शो यू द मैजिक ऑफ द स्मोकी फ्लेवर ऑफ द रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई कबाब। तो इसके लिए एक चारकोल के टुकड़े लेंगे और उसको हीट करेंगे रेड होने तक और एक स्टील के कटोरी में रख के उसको पैन में रख देंगे और चारकोल के ऊपर घी डालेंगे थोड़ा सा, फिर पैन को कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको सलाद और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। पुदीने की चटनी की रेसिपी भी आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।